जैसे हम सिंगर्स को मोटिवेट करना, स्टेज देने का काम उमेश जी, प्रकाश जी, केतन जी जैसे मेंटर्स करते हैं, वैसे ही लेजेंड मुकेश जी को मशहूर एक्टर मोतीलाल जी ने ब्रेक दिया और उनके द्वारा मुकेश जी को फर्स्ट प्लेबैक सिंगिंग का चांस मिला था। तो बिग थैंक्स टू उमेश जी, प्रकाश जी, केतन जी, सबको बहुत ज्यादा थैंक यू सो मच। और ऐसे ही दोस्तों, सबके चेहरों पर मुस्कुराहट लाना वो हर एक किसी के बस की बात नहीं है। तो मुकेश जी की आवाज, उनकी गायकी ऐसी थी कि रूहानी दिल में उतर जाए। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट लाना, वो एक इन्होंने इतना मशहूर सॉन्ग दिया, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। आज छोटे छोटे बच्चों से लेके कितने एराज तक के लोगों को ये गाना बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। ऐसे ही हम सबके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने आ रहे हैं हमारे प्रकाश जी, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये गाना इतना हिट है कि तभी के 1959 अनाड़ी का जो गाना है इतना हिट था कि हर एक के जवाब पे वो गाना होता था। और एक बच्चा था, उसको तो बहुत ही प्रिय था। एक बार वो कोमा में चला गया किसी वजह से, तो वो कितनी भी इलाज करने के बाद जब होश में नहीं आया, तभी उसके पापा ने डॉक्टर को बताया कि इसका फेवरेट गाना है ये है। तभी डॉक्टर ने वो गाने के दरमियान, मतलब वो बेहोशी के दरमियान वो गाने को बार बार उसको सुनाया और धीरे धीरे उसमें हलचल शुरू हुई और वो होश में आ गया। तो ये बात है उनकी आवाज में, मुकेश जी की आवाज में। चलिए तो वही गाना हम सुनते हैं, कोशिश करेंगे मुकेश जी की इस नगमे को गाने में। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जेब से फकीर है फिर भी यार दिल के हम अमीर हैं, माना अपनी जेब से फकीर है फिर भी यार दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो न हो हमें तो ऐतबार, जीना इसी का नाम है। दिल से दिल के है तुबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का, रिश्ता दिल से दिल के है तुबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का, कि मर के भी तुमको याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार।
आवाज केम जतो रियो थैंक यू क्या बात है प्रकाश जी सच्ची मुस्कुराहट ला दी आपने तो दोस्तों आप जानते हैं मुकेश जी का निकनेम था मैन विद अ गोल्डन वॉइस राज कपूर जी ने मुकेश जी को अपनी आवाज अपना जीवन का हिस्सा बना लिया था और आरके मुकेश की जोड़ी ने न जाने कितने मशहूर गाने दिए हैं मूवी धर्म करम से एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल आरके और मुकेश जी की जोड़ी का लास्ट रिकॉर्डिंग सॉन्ग था और ये सोलफुल गाना लेकर आ रहे हैं हमारे वर्सेटाइल सिंगर बेहतरीन सिंगर केतन गांधी जी दोस्तों सुनते हैं फिल्म धर्म करम का एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल थैंक यू तुरसा एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल दूजे के होठों को देकर अपने घी कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से दो एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को ला 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 अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए ये बिरहा ये दूरी दो पल की मजबूरी फिर कोई दिल वाला काहे तो घबराए तरम तम धारा जो बहती है मिलके रहती है बहती धारा बन जा फिर दुनिया से दो एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल ला 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 la 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 la
पर्दे के पीछे बैठी सावल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। पर्दे के पीछे बैठी सावल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। ये डोरी ना छूटे, ये बंधन ना टूटे, बोर होने वाली है अब रहना है थोड़ी। करम पम सर को झुकाए तू बैठा क्या है यार, गोरी से नैना जोड़ फिर दुनिया से डोर। लेकिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे भूल। दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से दो। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे भूल। ला 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 थैंक यू प्रकाश भाई, थैंक यू उमेश भाई। बहुत बढ़िया केतन भाई, आपको बता दूं जैसे मैंने पहले बताया, उनका एक करेक्शन है, 22 जुलाई 1923 मुकेश जी का जन्म, और 22 जुलाई को ही 1946 में कांदिवली के एक मंदिर में, मुंबई के कांदिवली के एक मंदिर में उमेश जी का विवाह हुआ था, और उनकी वाइफ का नाम सरला त्रिवेदी, जो गुजराती ब्राह्मीन बिजनेसमैन की बेटी थी। दोनों के माँ बाप शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मोतीलाल जी उनके चचेरे भाई ने ही उनको हेल्प किया, उनके कैरियर में भी और उनकी पर्सनल लाइफ में भी। तो चले गए। अभी मुकेश जी का आगे कहानी सुनने से पहले हम उसका एक प्यार भरा नगमा सुनाते हैं शोर फिल्म से, जो मनोज कुमार और नंदा के ऊपर फिल्माया गया, और गाने के बोल है एक प्यार का नगमा है, और हमारी गायिका रक्षा जी और विजय जी, आइए। हाँ।
जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, एक प्यार का नगमा है।